सब। बहुत परेशान लग रहे हैं। श्रवण और सुमन को लेकर मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूं। माँ बाप अपने बच्चों को परेशान देखकर ही तो परेशान होते हैं ना। खासतौर से श्रवण और सुमन की जिन हालात में शादी हुई है, उसके पहले आदित्य ने सुमन के साथ ची 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 ची। सोचकर ही मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे में इन सब चीजों को स्वीकारना बहुत बहुत मुश्किल होता है भाई साहब, मैं समझती हूँ। लेकिन आप परेशान मत होइए, श्रवण और सुमन एक दूसरे को अपना ही लेंगे। हर रिश्ते में शुरुआत में दिक्कतें तो आती हैं, समझौते करने होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लेकिन थोड़ा समय जाने दीजिए, सब संभल जाएगा। अब देखिए ना, पुष्कर की शादी के वक्त मैं कितनी परेशान थी, कितनी अपसेट थी, क्या मूड था मेरा, लेकिन मैंने प्रीति को अपना ही लिया पुष्कर की खुशी के खातिर। मेरे ख्याल में धीरे धीरे आपको भी सुमन को अपना ही लेना होगा, श्रवण की खुशी के खातिर। हाँ, जब शादी हो ही गई है तो एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। ऐसे अच्छा ही होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, ताकि दोनों खुश रह पाए। श्रवण खुश रहेगा तभी तो मैं भी खुश रह पाऊंगा। बिल्कुल, जस्ट होप सब ठीक हो जाए। बिल्कुल सही सोचा है आपने, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए बस। आप बस परेशान मत होइए, अभी जाकर आराम कीजिए, सो जाइए। गुड नाइट। सोच से क्या फर्क पड़ता है रामनाथ भाई साहब, क्योंकि आपके पुत्र श्रवण और सुमन को मैंने खुश रहने नहीं देना, और आपका पुत्र खुश नहीं तो आप खुश नहीं। ये मेरी पहली किश्त थी रामनाथ भाई साहब, मेरे पुत्र पुष्कर की शादी का हक खोने की। ड्रामा ये, इतना टाइम कौन लेता है? सुमन बाहर आओ, मुझे भी जाना है। आ रही हूं। यार कम ऑन, और कितना टाइम लगेगा, मुझे बाथरूम जाने, बाहर आओ। 5 मिनट्स तो दो, शैम्पू कर रही हूँ। इस टाइम कौन शैम्पू करता है, जल्दी करो मुझसे, और वेट नहीं हो रहा। वेट नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे बाथरूम में चले जाओ ना, आई एम श्योर इस घर में ये अकेला बाथरूम नहीं है। नानू, नानू,
आपके लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए। बाबूजी, आप सोए नहीं अभी तक? चलिए आइए, लेट जाइए, उठिए, आइए, संभल 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 आइए। आप भी ना अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, इतनी देर रात तक जागना नहीं चाहिए आपने, लेटिए आराम से। अरे रहने दो बेटा, जाओ तुम आराम करो। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी, ये तो सुमन ने मुझे कभी ये सब करने नहीं दिया, लेकिन है तो मेरा ही फर्ज ना। सुमन तो इस घर की हवा में बसी है, इतनी कम उम्र में कितनी समझदारी से उसने सारे घर को संभाल रखा था। बहुत कमी खल रही है उसकी। सही कह रहे हैं आप बाबूजी, प्रीति के जाने के बाद इतना महसूस नहीं हुआ जितना सुमन के जाने से सूना हो गया ये घर। सुमन ने हम सबको अपनी ऐसी आदत डाल रखी थी कि अब हर बात में उसकी याद आती, जबकि उसे गए हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ। ऐसा लगता है जैसे शरीर से आत्मा अलग हो गई, सब कुछ सोना, सब कुछ खामोश सा लगता। आज पहली बार उसके जाने के बाद मुझे प्रिया की कमी महसूस हो रही है, दोनों को खो दिया और ये बुड्ढा अकेला हो गया। बाबूजी, प्रिया सुमन के रूप में ही तो इतने सालों से हमेशा हमारे बीच जिंदा रही है, और रही बात सुमन की, तो हमें खुश होना चाहिए कि इतने बड़े घर में, इतने अच्छे घर में गई है। बहुत दुख देखे बेचारी ने, अब उसकी जिंदगी में खुशियों का उजाला फैलेगा। फिर भी मन है कि मचल रहा है उसकी आवाज सुनने के लिए, एक बार बात कर लेंगे तो बेहतर लगेगा ना बाबूजी। मैं फोन मिला देता हूं। नहीं समीर, रहने दो, आज उसका ससुराल में पहला दिन है, और फिर ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटी के जाने के बाद हर माँ बाप को इस दुख से गुजरना पड़ता है। ठीक कह रहे हैं आप, और याद का क्या है, बात बात पे सुमन की याद आती रहेगी। हमें सुमन को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने देना चाहिए, उसे बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तसल्ली है ना हमें इस बात की कि हमारे इतने करीब है, जानते हैं हम जहां भी होगी हमारी बच्ची तो खुशी होगी। आप चिंता मत कीजिए, सो जाइए। अरे श्रवण पुत्र, तू यहाँ सर्वेंट्स का बाथरूम क्यों इस्तेमाल कर रहा है भाई?
वो चाची मेरे बाथरूम में सुमन ना... मतलब पहली रात को बीवी ने कमरे के साथ साथ बाथरूम पर भी कब्जा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा कमरा मेरा ही रहेगा। श्रवण पुत्र, मैं मजाक कर रही हूँ भाई। वैसे अब तेरी शादी हो गई है, हर चीज बांटना सीखो, सब कुछ आधा आधा हो जाता है, आधा सुमन का आधा तेरा है? अच्छा, लेकिन ये बाथरूम इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी, हमारे कमरे में आ जाता। वो मुझे लगा आप सब सो रहे होंगे इसलिए। हाँ सो तो रहे थे, लेकिन तू अभी तक क्यों नहीं सोया? कुछ काम था चाची। हैं? अब भी अभी तेरी शादी हुई है और तू रात के इतने बजे तक काम कर रहा है? कुछ भी एमी, चल कोई नहीं, अब दोबारा ऐसा हो तो ये बाथरूम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, हमारे कमरे में आ जाइए। हैं? और पुत्र, घर का मालिक सर्वेंट्स का बाथरूम बार बार इस्तेमाल करेगा तो ठीक नहीं लगेगा। हैं? चाची ऐसी नौबत आएगी नहीं, वो तो शादी के बाद पहला दिन था इसलिए मैंने। गुड नाइट पुत्र जी। आइस, थैंक यू सर। आपको और कुछ चाहिए? नहीं, इतना ठीक है, थैंक यू। तो सर मैं जाऊं? जाऊं कहाँ? घर। घर? वो भी कहीं जाने की जगह है? चलिए बैठिए, सिट सिट। नहीं वहां पे मत बैठिए, आइए इधर मेरे पास बैठिए, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए अब लंच पैक बनाइए, शर्माइए मत, बनाइए, मैं ही बनाता हूं आपके लिए। आप ये लीजिए, पीजिए पीजिए, ये मेरा ऑर्डर है। अच्छा ये बताइए, आपकी शादी तो हो ही रखी होगी? जी सर। बच्चे भी होंगे? जी सर। कितने? दो। लो, एक तो मैं आपको यहाँ पे रोक कर टोक कर आपको अपने बीवी बच्चों से बचा रहा हूँ और आप मना कर रहे हैं। शादी से खुश है अपनी? बोलिए खुश है कि नहीं? जी सर मैं बहुत खुश हूं सर। झूठ झूठ, शादी से भी भला कोई खुश हुआ है? मेरा तो मानना है कि इस पे पैन ही लगा देना चाहिए, बेकार लोगों की बेकार रस्म है ये, बेवकूफी है और कुछ नहीं। लेकिन आपने तो आज ही बेवकूफी की। मैं तो हूं ही बेवकूफ भाई। शादी तो बहुत अच्छा रस्म है साहब, शादी तो हमेशा खुशियां लेकर आती है, वरना इंसान अकेला खुश कब तक रह सकता है? अकेले क्यों, शादी के बाद कोई अकेला नहीं हो सकता। मुझे देखिए, मुझे तो आज ही शादी हुई है लेकिन मैं यहां बैठकर अकेले दारू पी रहा हूं। आपको मेरी वाइफ दिख रही है कहीं पे? बताइए दिख रही है कहीं पे? मुझे तो नहीं दिख रही। दिख रही है आपको? बताइए ना, हूं ना मैं अकेला। सर मैं जाता हूं। कहां? घर? जी सर। आप मानेंगे नहीं, आपको अपनी वाइफ के पास जाके टेंशन लेनी है। जाइए जाइए, लेकिन पहले अपनी ड्रिंक खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, कम ऑन बड़ों साहब। चीयर्स।
श्रवण मल्होत्रा, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे, अकेले ही रहोगे और अकेले ही जाओगे। तुम्हारा कोई नहीं है श्रवण, ऑल अलोन। अपनी तन्हाइयों से भी बातें करते। डैम इट, श्रवण तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हूँ मतलब, कब से तुम ही तो कह रहे हो मैं अकेला हूँ मैं अकेला हूँ, तो सोचा कंपनी देने आ जाती हूँ। आ गई? झूठ मत बोलो, तुम मेरे यहाँ गिरने का मजाक उड़ा रही हो। ए चश्मेश, ऐसा टोन और ऐसी बात है ना, अंदर वाली सुमन के लिए रख। ऐसा रेपटा दो ही ना, सारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी। और वैसे भी भूल गए क्या सुमो का पावर? हाँ अच्छा, अब ऐसे नीचे बैठ के तारे वारे गिनना है क्या? आओ इधर आओ, बैठो मेरे पास आओ। हे श्रवण, गोल्ड कप्पे का मसाला और पानी है क्या? नहीं, वो मुंह थोड़ा गोलगप्पे की तरह फुला था तो सोचा पानी के साथ आज खा ही लेती हूँ। तूने क्या मौन व्रत लेके रखा है क्या? ऐसे लगता है काफी पी लिया तुमने और ऐसे हिल डुल भी रहे हो। एक काम करते, गेम खेलते, क्या बोलता है? गेम? कौन सा गेम? यार जो बचपन में खेलते थे, इसी बहाने हम दोनों के बीच में बातें भी हो जाएगी और मजा भी आएगा, है ना? पर कौन सा गेम? यार जो बचपन में खेलते थे, जो हम एक दूसरे से नाराज हो जाते थे फिर भी एक दूसरे से सॉरी नहीं बोल पाते थे, फिर एक दिन बैठ के बारी बारी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते थे और फिर सॉरी बोलते थे। चल ठीक है, आई ओनली स्टार्ट। वैसे बचपन में मैं तेरा बहुत फायदा उठाया, कभी होमवर्क करवाया, कभी बैग्स उठवाए, कभी कुछ कभी कुछ। इन शॉर्ट मैंने अपने चश्मेश को बहुत हर्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी। अब तेरी बारी है, प्लीज। संत इंसान तो है नहीं कि कभी कोई गलती ही नहीं की हो, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। श्रवण, कभी कभी मैंने गलतियां की और मुझे पता था, फिर भी कभी मैंने सॉरी नहीं कहा, वो मेरा ईगो बीच में आ जाता था ना, तो अभी उसके लिए ये तो मैंने भी बहुत किया। फाइनली तेरा व्रत तो टूटा। I'm also sorry, Suman. और सिर्फ इसके लिए नहीं, और बहुत सारी चीजों के लिए। तुम तो जानती हो कि मैं अपनी ईगो के आगे अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं देखता, और अपने गुस्से में तुमसे पता नहीं क्या क्या कह देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे तुम बहुत हर्ट होती हो। I'm so sorry, Suman. श्रवण, प्लीज संभालो अपने आप को। अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, यही काफी है। वैसे ये सारी बातें तो अंदर वाली सुमन को जाके क्यों नहीं कहता है? सोच श्रवण, लाइफ कितनी मस्त हो जाएगी। हर्जी क्या है, प्यार करता है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखा। ये सारी बातें ना जाके सुमन को बोल के, आई नो वो सो गई होगी, पर उसे उठाओ, देखना वो बिल्कुल नाराज नहीं होगी, इनफैक्ट खुश हो जाएगी। दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की नई शुरुआत कर।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.